रहा है एक छोटा सा बच्चा जो अंधेरे में एक दिया लेके कहीं जा रहा है, और वही उस बच्चे को ही अब पकड़ लिया गया और कहा कि ये रोशनी इस दिए में आपने अगर जब जलाया था दिया तो आई, तो इससे पहले कहाँ थी ये रोशनी और अब ये कहाँ से उपज है इसका। तो वो बच्चा फटाफट वो दिए को बुझा देता है और बोलता है कि आप ज्यादा से आने हैं तो आप ही बताओ कि अब ये दिया मैंने बुझा दिया है तो ये नूर ये कहाँ चला गया, तो ये जहाँ चला गया वहीं से वापस आ जाएगा। तो वो बात बच्चे की कि कैसे एक बुद्धि, जो बुद्धि एक सोचवान अपने आप को जो समझता है, और वही उसकी बुद्धि भी वहां समाप्त हो गई, एक इंटेलिजेंस पे जो हावी अहंकार वो खत्म, और वही उस बच्चे के चरण स्पर्श की ये एक हमें वो नहीं देखना कि ये शिक्षा कौन दे रहा है, क्या उनके जीवन में वो बातें लागू हैं जो वो कह रहे हैं, पर ये शिक्षा कहाँ है क्या है। तो बात वही कि ये तो कण कण से शिक्षा है, क्योंकि परमात्मा ही कण कण में है, निराकार पूरे ब्रह्मांड या ब्रह्मांडों में भी हर जगह ही है, और कैसे कण कण में जहाँ निराकार है तो अवश्य ही कण कण से शिक्षा भी ले सकते हैं। फिर वो चाहे शिक्षा देने वाले कोई भी हो, एक अपने आप को समर्पित करके एक मन में इस दातार का ही शुक्राना कि किसी घट से भी कोई शिक्षा मिल रही है, किसी वस्तु किसी अन्य चीज से भी, तो हर एक से जहाँ एक प्यार और एक्सेप्टेंस अगर है मन में, तो ही ये भाव कि हर कोई अगर हमारी विचारधारा के विपरीत भी है तो भी कैसे आराम से सुकून से उनकी बात को समझ के एक अपनी बात रखना अलग बात है, पर उस वजह से किसी को नफरत नहीं करनी, एक हेट्रेड का भाव नहीं आता, तो कैसे हर कोई जहाँ सुकून में जीवन बिताए, क्योंकि ये संसार में आए हैं, और अन्य कितने ही लोग जो अलग विचारधाराएं रखें कहीं से भी हो, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी एक इस तरह का भी ख्याल नहीं कि हमसे अलग है, बल्कि हर एक को एक आईना एक शीशे की तरह देखें कि जो हम में है वही ज्योत सामने है। तो यही ज्योत इस निराकार से आई, और यही ज्योत शरीर खत्म होने पर, यही ज्योत अपने असली रूप निज घर में, ये मुक्ति एक साल्वेशन की बात जो हर कोई ग्रंथ कर रहा है, एक वही जीवन ये वाला जीकर अगर इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो फिर ये मुक्ति का हकदार ये जीवन हो जाएगा। हम अपने जीवन को फिर एक लाभदायक रूप में, एक सदुपयोगी जीवन, एक संतमति से युक्त जीवन, एक वरदानीय रूप का जीवन जी सकते हैं। तो एक इंसान है तो इंसानियत का भाव स्वयं ही आ जाएगा जब ये परमात्मा इस मन में बसा है। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके यही बात कि फिर से आप सभी का शुक्राना, जो आए भी जो नहीं भी आ पाए, ये व्यवस्था के रूप में चाहे कैसी थी कैसी नहीं थी उस पे एक फोकस नहीं, फोकस असली बात पे कि इस निराकार पे ही रहेंगे, और जो चाहे सेवा कहीं लगी हो वहां पे भी एक मन को स्थिर रख के एक सुकून के साथ ही, हर कोई जिस तरह खुशियों से इधर आए हैं अब जाते समय भी अपने घर वो आनंद वो ब्लिस वो सुकून लेकर जाए, पूरे संसार में ये सुकून बांटे। हर एक के एक बनने का ये संसार में अब समय है कि किसी को अपने मुताबिक तोड़ मरोड़ के ये कोशिश नहीं कि हमारी एक सोच से मैच हो, हमारे नेचर से मैच हो, हमारे जैसे बन जाओ, पर नहीं, वो फर्क उनके मुबारक हैं, वो डाइवर्सिटी मुबारक है, बस हमें अब समय है हर एक का बनना है, वो भाव रखना ही नहीं कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं,
बस हर एक के जितना हम हो जाएंगे उतना और इस परमात्मा के करीब आते जाएंगे। तो भक्तिमय जीवन हर एक के हिस्से आए, हर कोई इस जीवन को मुबारकबाद जीवन बनाकर इस धरती से जब आए, इस धरती पे जब आए थे तो जितनी वो प्राकृतिक रूप में सुंदर चाहे वैसी उससे भी बेहतर छोड़कर जाए और मनो के अंदर भी सुंदरता एक और हर दिन के साथ और निखरती जाए। ये परमात्मा का वास दिल में और गहरा उतरता जाए, ये एहसास निराकार का, ये सुकून एक इससे युक्त होकर ही अपने जीवन को हर